नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा महिंद्रा अर्जुन नोवो है ये भाइयों, 605 DI ट्रैक्टर है ये। आज आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे। ये लोडर लगा हुआ है भाइयों इसके आगे, ये एबल करके कोई कंपनी है, इसका लोडर है और इसके ऊपर आज आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे भाइयों। 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये, वो नॉन टर्बो इंजन के साथ आता है, ये DII है। ये आप देखो इसका परफॉर्मेंस। फिर मैं किसान भाई से भी जानूंगा कि कब से ट्रैक्टर चला रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस लगता है। और सबसे मेन चीज़ आज के टाइम की, सबसे किसानों को सबसे ज़्यादा डिमांड की माइलेज क्या है, तो माइलेज के बारे में भी भाइयों मैं जानूंगा किसान भाई से कि माइलेज इन्हें किस तरीके का, कैसा देखने को मिलता है इस ट्रैक्टर का, क्योंकि 4 सिलेंडर के अंदर है। तो सारी कुछ चीज़ें जानूंगा भाइयों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और भाइयों ये जो ट्रैक्टर है ना, ये लगभग 3000 घंटे के अराउंड चल चुका। अगले टायर आपको दिख रहे होंगे इसके, लगभग 50 पैसे टायर हो गए अगले, और इतने ही लगभग पिछले हैं, 50-60 पैसे ही बचे होंगे। और ये पीछे रोटरवेटर लगा रखा है। अब आप सोचो क्यों लगा रखा है भाइयों, वेट के लिए लगा रखा है ताकि वेट बैलेंस रहे। अगर आगे लोडर में आप वेट भर दोगे और पीछे वेट नहीं लगाओगे तो ट्रैक्टर पीछे से लिफ्ट हो जाएगा, पिछले टायर लिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए पीछे ये रोटावेटर लगा रखा है इन्होंने। और भाइयों ये भी 605 इनका अर्जुन है, और जो ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ है ना आगे, ये भी 605 अर्जुन है। दोनों ही 4 व्हील के अंदर है भाइयों ट्रैक्टर ये। भाइयों जिस हिसाब से ये ट्रैक्टर है, जिस हिसाब से इसका नाम है, वो भी आज आपको बताऊंगा क्या उस तरीके से काम ये करता है। आप लोग देख ही रहे हो परफॉर्मेंस, बाकी किसान भाई से भी जान लूंगा मैं क्या उस तरीके से ये काम करता भी है या नहीं, तो सारी कुछ चीज़ें ही होंगी आज की वीडियो में। अब भाइयों ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया, अब मैं किसान भाई के साथ आपकी मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई किसान भाई देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय उन्हें करा दो। जी, मेरा नाम सचिन ग्राम रंगावादा जिला ब्रांच है यूपी से। जी सचिन भाई, ट्रैक्टर के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ट्रैक्टर को लगभग आपके पास इसे कितना समय हो गया? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए, तो लगभग मैं मानूं कितने घंटे आपका ट्रैक्टर चल गया होगा? 3000 घंटे चल चुका है। ट्रैक्टर के अंदर अभी तक कोई कमी पेशी, कोई शिकायत आपको लगी? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं। कोई इस तरीके का ऐसा कुछ लगा हो कि हाँ यार ट्रैक्टर के अंदर ये कमी है, इसको अगर दूर कर देती कंपनी या इस तरीके से कर देती तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, ऐसा कुछ लगा? कमी नहीं छोड़ी अभी। कोई कमी नहीं छोड़ी इसके अंदर, जैसे कि सटल भी दे रखा है, सारा कुछ फीचर दे रखे हैं। अच्छा, इसकी डीजल खपत के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि जिस हिसाब से जितना बड़ा ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है प्लस 4 सिलेंडर के अंदर है, तो डीजल खपत कैसी करता है घंटे के अंदर, जैसे आप लोडर के ऊपर चला रहे हो? पहले तो आप लोडर के ऊपर बताओ इसकी डीजल खपत कैसी रहती है? 4 लीटर घंटे के अंदर इस लोडर के ऊपर। फुल बकेट भी बढ़ जाती होगी, लोड वगैरह तो नहीं लेता? अच्छा, रोटर वेटर के ऊपर जाने की कोशिश करूं तो उसके ऊपर क्या रहती है? लगभग लीटर बीघे का एवरेज आता है। लीटर बीघे का हैवी लोड के ऊपर पूरे डिलीवर डाउन करने के 100-200 ग्राम और फालतू खाले, 100-200 ग्राम फालतू खाले। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे रोटर वेटर के ऊपर ऐसा होता है खेत गीला भी आ जाता है, सूखा भी आ जाता है, तो कोई ऐसी शिकायत तो नहीं बन जाती कि ट्रैक्टर ज्यादा घुटने लगता हो, आरपीएम ज्यादा तोड़ देता हो? आरपीएम तोड़ता है। अच्छा, आरपीएम तोड़ता है, 500 आरपीएम तोड़ देता है, 500-600 आरपीएम ड्रॉप कर देता है ट्रैक्टर। जी अच्छा, रोटावेटर कितने फीट का आप चलाते हैं इसके पीछे? 7 फीट का रोटावेटर है। 7 ही फीट का रोटावेटर चलाते हैं जी, उसके ऊपर भी लगभग 400-500 आरपीएम आप बता रहे हैं तोड़ देता है ट्रैक्टर जी। और कुछ आपको ट्रैक्टर के अंदर अलग से अच्छा लगा हो या कुछ कमी ऐसी लगी हो कि कंपनी तो देखो तारीफ करती है अपने ट्रैक्टर की हमेशा, लेकिन किसान जब चलाता है उसको लंबा समय हो जाता है तो उसे सारी चीजें पता चल जाती हैं कि यार ये फीचर है या ये कमी है, तो ऐसा कुछ आपको लगा हो ट्रैक्टर के अंदर कि यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आई? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप कीमत का भी इसकी अंदाजा कराओ, किस कीमत के अंदर आपने खरीदा था ये? तो 950 के करीब खरीदा, 9.5 लाख के आसपास आपने खरीदा था जी। अच्छा, जैसे इसका आप इसके ऊपर चला रहे हो लोडर के ऊपर, तो लोडर के अलावा आप अन्य इम्प्लीमेंट के ऊपर भी चलाते होगे, जैसे कि प्लाव वगैरह की मैं बात करूं तो उसके ऊपर भी कभी चलाया है ट्रैक्टर आपने? प्लाव के ऊपर चलाया। तो प्लाव के ऊपर
पहले तो आप ये बताओ कितने फाली का चलाते हो, और दूसरी बात आप ये बताओ कि प्लाव के ऊपर कोई स्लिपेज की दिक्कत तो नहीं आती ट्रैक्टर के अंदर? स्लिप तो करता है, स्लिप करता है उसके ऊपर। थ्री टाइन का लिमकन का, थ्री बॉटम प्लाव है आपका लिमकन का, रिवर्सिबल वाला चलता है। अच्छा, उसके ऊपर जैसे हैवी लोड कहीं कहीं आ जाता होगा तो लिफ्ट सेंस करनी पड़ती होगी आपको हाथ से? दाखरी मिट्टी आ जाती है उसमें करता है, वैसे नॉर्मल मिट्टी में नहीं करता है। जी जी, उसके ऊपर लगभग प्लाव के ऊपर क्या डीजल खपत रहती है इसकी? प्लाव का तो ऐसे कुछ। अच्छा, आपने अंदाजा नहीं लिया उसके ऊपर लगभग। अगर मैं एक आपसे हैवी लोड की जाने की कोशिश करूं, जैसे कि आरपीएम पूरे, मतलब जितने आरपीएम रेटेड है उतने आरपीएम पर अगर आप चलाते हो इसे, तो एक हैवी लोड के ऊपर लगभग क्या डीजल खपत रहती होगी आपके अनुमान से? घंटे का खा जाता, 5.5, इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं खाता। जी जी। अच्छा, आपका तो ये दूसरा जो ट्रैक्टर है, इसके पास भी थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, इसके बारे में बताओ, ये आपने कब खरीदा फिर? दोनों साथ में खरीदे थे। अच्छा, दोनों साथ में ही खरीदे थे। ये भी, ये कौन सा मॉडल है? ये भी 2018 मॉडल, 2018 मॉडल है। तो आपका विचार दूसरे कंपनी में जाने का क्यों नहीं बना? जैसे कि आप पहले महिंद्रा चला रहे थे, तो जैसे कि किसान सोचता है कि यार एक इस कंपनी का ले लूं या एक दूसरी कंपनी का ले लूं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ आपके साथ? सबसे पहली बात है उसकी मेंटेनेंस की। जी, स्पेयर पार्ट की आसानी से मिल जाए और मैकेनिक की। जी, महिंद्रा में ये सब चीज है। कहने का मतलब आपका ये है, जो मेंटेनेंस है वो आपको ट्रैक्टर के अंदर कम लगा अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में, इस वजह से आपके पास दो दो महिंद्रा हैं फिलहाल में। जी, अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करूंगा, आपने लगभग 3000 घंटे आपका ये ट्रैक्टर चल चुका, ट्रैक्टर के साथ में संतुष्टि कितनी है? दिल को ऐसा तो नहीं लगा कि यार गलत जगह पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए? 5 स्टार रेटिंग, पूरी तरीके से संतुष्ट है। आपके अनुमान से या आपके हिसाब से मैं जानने की कोशिश करूं कि आज के समय में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे तो क्या इसकी तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, बढ़िया है जी। तो भाइयों, किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, ट्रैक्टरों के बारे में आपको जानकारी दी। फिलहाल में दो ट्रैक्टर हैं इनके पास में, महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI आई हैं, दोनों फोर व्हील के अंदर हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे आपने फोर व्हील, दोनों फोर व्हील खरीद रखे हैं, फोर व्हील में और टू व्हील में आपको डिफरेंस क्या लगा? स्लिपेज ज्यादा करता है वो, कहीं टू व्हील स्लिपेज करता है जी, इस वजह से आपने दोनों ही फोर व्हील लिए हैं। अच्छा, फोर व्हील के ऊपर कोई डीजल खपत में फर्क पड़ता है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ता है डीजल खपत, 200 ग्राम बढ़ जाता है उसका डीजल खपत, यानी कि कम करता है ट्रैक्टर जी, बढ़ जाता है जो लोड के ऊपर चलता है। जी जी, माइलेज उसका बढ़ जाता है। हाँ जी, चाल भी बढ़ जाती है तो खपत वहीं पे आ जाती है, वहीं पे आ जाती है, एवरेज बराबर हो जाता है। तो भाइयों, किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी दी, दोनों ही इनके पास ये महिंद्रा अर्जुन 605 DI ट्रैक्टर हैं, फोर व्हील के अंदर हैं दोनों, 55 हॉर्स पावर के अंदर। तो आपको ये वीडियो छोटी सी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है ना भाइयों, वीडियो को लाइक कर सकते हो। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।